हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी में। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मेरा वीडियो कि अगर आपको साड़ी प्रेस करने में दिक्कत हो रही है तो इजीली कैसे साड़ी को प्रेस करें। क्योंकि मैं भी जब शादी करके आई थी तो मुझे भी साड़ी प्रेस करने के आइडिया नहीं थे, क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी जो थी वो अपना खुद से कर लेती थी, तो हमने कभी मम्मी का साड़ी प्रेस नहीं किया है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था साड़ी प्रेस करने का। तो मैं यहाँ पे मम्मी जी की अपने साड़ी प्रेस कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। अगर आपको मतलब साड़ी अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रही हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से साड़ी को अच्छी तरीके से और आसान तरीके से प्रेस कर लेंगे और आपको झंझट भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दो तरह से साड़ी प्रेस करने की जो है इजी विधि बताऊंगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हाफ हाफ कर लेंगे साड़ी, आधा देखिए मैंने नीचे लटका दी है साड़ी और ये इस तरह से है। अगर आप चौकी पे कर रही हैं तो आप पूरा फैला के भी कर सकती हैं, तो इस तरह से लंबे लंबे। सबसे पहले तो हमें बॉर्डर को अच्छी तरह से प्रेस मारना होगा, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर होते हैं वहीं ज़्यादा उसी में सिकुड़न आ जाती है। बॉर्डर में जब सिकुड़न आती है तो पूरे साड़ी में सिकुड़न आ जाती है और साड़ियों को प्रेस करके पहनने के बाद लुक अलग हो जाती है, एक लाइट सी आ जाती है। तो हम जो भी रेगुलर यूज में साड़ी अपने लाते हैं जो प्रेस करने लायक होते हैं, तो उसको प्रेस करके ही पहनना चाहिए, उसका सुंदरता बढ़ जाती है प्रेस करने से। तो इस तरह से देखिए हमें पूरे साड़ियों को इसी तरह से प्रेस कर लेना है। और जब एक साइड हमारा हो जाए, जहाँ तक हमने प्रेस कर चुके हैं वहाँ से ये दूसरी इस तरह से साइड ले कर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरे साड़ी को प्रेस कर लिया है और ये मेरा लास्ट वाला भाग है, तो मैं लास्ट वाले भाग को भी कर लूँगी प्रेस इस तरह से। और जो किनारे वाला होता है उसी तरह से मैं किनारे पर बहुत अच्छी तरह से प्रेस करूँगी। तो इधर जो हमारे होते हैं जो साड़ी के, वो मतलब जो किनारे वाले भाग होते हैं उसमें सिकुड़न ज़्यादा हो जाती है, तो हमें अच्छी तरह से उसमें प्रेस अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। अब हमें इसे दूसरी साइड में प्रेस लगानी है जिस साइड हमने नहीं किया है। तो इस तरह से पूरे साड़ियों को मोड़ के हम जिस साइड प्रेस नहीं किए हैं उस साइड को फिर से रख के प्रेस कर लेंगे। और लास्ट में हमें इस तरह से साड़ी को फोल्ड करके और अच्छी तरह से तह लगाकर प्रेस को कर लेना है। और प्रेस करते समय जब भी आप प्रेस लगा दें, जब ये प्रेस हीट हो जाए तो आपको एक बार दूसरे कपड़े पे या जो नीचे हो उससे देख चेक कर लेना चाहिए कि ज़्यादा हीट तो नहीं है। क्योंकि हमारा जो साड़ी होता है वो कपड़ा आपको तो पता ही कितना सॉफ्ट होता है, तो चिपकने का डर रहता है, कपड़ा ख़राब होने का। जब भी आप प्रेस करें तो नीचे जो है कॉटन का ही बेडशीट लगा के प्रेस करें। तो देखिए इस तरह से आप इजी तरीके से अपने साड़ी को फोल्ड कर करके प्रेस कर सकती हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये जो हमारी दूसरी साड़ी है, मैं यहाँ पे इस तरह से प्रेस करने का आइडिया बताई हूँ कि आप पूरे साड़ी को लंबे लंबे इस तरह से फैला के भी प्रेस कर सकती हैं। इसमें आपको दोबारा दूसरे साइड से प्रेस नहीं करना है, इस तरह से लंबे लंबे आप आराम से प्रेस को कर सकती हैं। तो जो भी आपको आइडिया सही लगे उससे आप आसानी से अपने साड़ी को प्रेस कर लेंगी और आपका झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है साड़ी प्रेस करने का, तो आपको कौन सा प्रेस करने का तरीका कौन सा ज़्यादा इजी लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से प्लीज़
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।